सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्याहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तु ते नमो यूनिवर्स। दोस्तों, ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान, क्या हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत क्या है, और ब्रह्मांड चाहे तो हमें रात तो रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे और अमीर को गरीब, वो ऐसी क्या चीज है जो अमीर को और ज्यादा अमीर बनाती रहती है, लेकिन उसके विपरीत गरीब आदमी आखिर गरीब क्यों रह जाता है। तो इसके बारे आपको बताएंगे कि गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, और वीडियो के अंत में हम आपको ब्रह्मांड को खुश करने वाला मंत्र भी बताएंगे जिससे आप यूनिवर्स से जो चाहे मांग सकते हैं और मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ओनल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना है जिससे आपको हर वो चीज मिल सके जिसकी आपने ख्वाहिश की है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई लव यूनिवर्स जरूर लिखें, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। अगर आप 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देते हो तो यूनिवर्स के बारे सभी जानेंगे, जिससे ब्रह्मांड आपसे जल्दी खुश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और जो अपने पर ज्यादा घमंड करते हैं आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ भी नहीं है। जिनके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है, लेकिन धरती पर मौजूद यह सभी 8 अरब लोग लॉस एंजल्स जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजल्स लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की तो पूरी धरती लॉस एंजल्स से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 350 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद धरती से 37,500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी ऑटो ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबला में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा शक्ति है, यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 13 समा शक्ति हैं, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज ना सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 2,007 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे ऑटो ग्रहण के साथ 5 बौन ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ मेटियोरॉयड्स मौजूद है। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 1,500 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3,000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहां तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 28 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है अर्क ट्रस्ट, जो 3,60,00,000 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे, और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगल, जिसका व्यास
11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्केस्ट जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 1,400-1,500 तारे समा जाएंगे। अब हम देख क्या रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बीटल जूस, जिसका व्यास 1,23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगल जैसे लगभग 1,400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहां आकर सूरज भी एक रेट के कान के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीकनस मेजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है युवा स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2,40,00,000 किलोमीटर है और अब तक का झाड़ सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 280, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9,82,00,000 तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मेन भी रखना है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। ये आकर में 0.2 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इस पर पहुंचने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबला कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3,000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश को इसे पर पहुंचने में 5 साल लगेंगे और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते। और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंचुरी कॉन्स्टेलेशन, जिसका व्यास 125 प्रकाश वर्ष है और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर सामने वाली इन सबसे करोड़ गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इस पर पहुंचने में प्रकाश को भी 1,00,000 साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें, तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खराब तारे मौजूद है, अब तक जान गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसों से। इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खराब स्टीफनसन 28 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, यूजीसी 285 गैलेक्सी, जो कि 4,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है। इस एरानोसो वेंट गैलेक्सी, जो कि 40,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1,000 खरबतरे रहते हैं, इसके अंदर 3,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगाएं समशक्ति हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्कुनियास गैलेक्सी, जो कि 1,60,00,000 प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40,00,000 गैलेक्सी समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे हमने अब तक ऑन ऑब्जर्व किया है, वह 33 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अब गैलेक्सी मौजूद है। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा हल्की यूनियास गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और
हम तो इसके सामने कहानी नहीं टिकते, हमारे जैसे 8 अब लोग यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कई जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहां पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा डरावना है, ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। और अगर इसमें जीवन है भी, तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते, और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। जबकि यह ब्रह्मांड भी यहां आकर नहीं धमना, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर यह कहानी खत्म होता है तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड है? अगर हां तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अब तक ब्रह्मांड जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित है और ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी, मंदाकिनी आकाश गंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में, बेसन वाले एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देश में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखना, क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? इसलिए जो भी है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड है, तो हमें इसकी उपासना करनी चाहिए। हमें सब कुछ देने वाला ही ब्रह्मांड है। और हम जिस मंत्र की बात कर रहे थे वो है सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तु। तेयाउ इस मंत्र के नियमित 108 बार उच्चारण से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। किंतु मंत्र आप करने से पहले आपको शुद्ध होना जरूरी है। अगर संभोग किया है तो नहाना, वरना मुंह हाथ धोकर भी जाप कर सकते हैं और अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताइए, क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 36 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़े और डोमिनेंट थे। लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है आपके पास कि आप कुछ स्पेशल हो? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ वीडियो में। तब बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।